आज हम सीखेंगे टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी क्या है, यह कैसे काम करता है, क्या आप भी टेलीपैथी कर सकते हैं और इसे सीखने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो टेलीपैथी का अर्थ समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं, बिना किसी फिजिकल डिवाइस के या उपकरण के बातों, भावनाओं और फीलिंग को रिसीव करना या उन्हें भेजना। अब ये समझते हैं कि टेलीपैथी के विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि आज के समय में इसका उपयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह यह है कि आज हमारे पास में उपकरण है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आज के हमारे विज्ञान ने विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, जिसके माध्यम से हम बिना दिमाग पर जोर लगाए आसानी से लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं या अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज देते हैं। लेकिन हमारी प्राचीन साइंस, जो आज की साइंस से काफी उन्नत थी, उन लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जहां उन्हें फिजिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी इनर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उन्होंने अपनी बातों, भावनाओं और फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तरीका खोज लिया। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ना ही कोई चमत्कार है। असल में ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की बहुत छोटी सी शक्ति है, जिसे सीखने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है। कई बार जाने अनजाने बस ऐसे ही कुतूहल बस टेलीपैथी आप भी कर लेते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को दिल से याद कर रहे हैं, ऐसे में आपके विचारों की तरंगें बहुत अधिक क्लियर होकर, डीप होकर उस व्यक्ति की तरंगों से मैच हो जाती हैं जिसे आप याद कर रहे हैं, और अचानक से उसका फोन आ जाता है। कई बार वह व्यक्ति खुद चलकर आ जाता है, तो ऐसा सामान्यतः कभी कभी आप लोगों के साथ भी हो जाता है। प्राचीन समय में टेलीपैथी का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाता था। अब धीरे धीरे इसका विज्ञान खो गया है, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है, क्योंकि अगर ये विद्या आज भी बिल्कुल सामान्य हो जाए और इसे हर व्यक्ति सीख जाए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका उपयोग लोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। परंतु अगर आपकी नीयत साफ है और आप टेलीपैथी का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहते हैं, तो आप इसे सीख सकते हैं। वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस प्रयोग को करने से पहले आपको कुछ बेसिक तैयारी करनी होगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि टेलीपैथी का प्रयोग करने के लिए बेस्ट समय कौन सा होता है, किस समय आपका संदेश टेलीपैथी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा समय है रात का समय। अब देखिए, मैंने रात का ही समय सबसे उचित क्यों बताया, हालांकि धीरे धीरे जब आप इसमें निपुण होते चले जाएंगे तो आप अपने संदेश को दिन में कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको टेलीपैथी सीखने के लिए शुरुआत में रात का समय ही चुनना चाहिए। अब वो इसलिए क्योंकि रात के समय में सभी ऊर्जाएं शांत होती हैं, मतलब प्रकृति में चारों ओर शांति होती है, क्योंकि अक्सर दिन में आप अपने रोजमर्रा के कार्यों में बिजी रहते हैं और उस बिजी रहने के दौरान आपके खुद के अंदर शांति नहीं होती। आपके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और उन विचारों की तरंगें आप निरंतर अपने अंदर से छोड़ रहे होते हैं। ऐसे ही दुनिया के सभी लोग जब वो जाग रहे होते हैं, तब उनके सबके अंदर भी बहुत से विचार निकलते हैं, उन विचारों की तरंगें निकलती हैं। तब ऐसे में दिन में सभी के विचारों की तरंगों में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से आपके विचारों की वाइब्रेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ टेलीपैथी करने की सोच रहे हैं और जो संदेश जो विचार उसे भेज रहे हैं, वो उतना प्योर नहीं होता, उतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपके भीतर बहुत सारे विचार हैं, इसलिए वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाता, वो ट्रेवल के दौरान बीच में ही कहीं गिर जाता है। तभी मैंने आपको कहा कि टेलीपैथी का प्रयोग करने के लिए शुरुआत में आपके लिए रात का समय उचित है। और दूसरी बात, रात्रि के समय आपके भीतर जो विचार चलते हैं, वो दिन के विचारों की तुलना में कहीं ज्यादा डीप और गहरे होते हैं। मतलब दिन में आप जो भी कुछ सोचते हैं या जैसे भी विचार आते हैं, वो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस चाहते हैं, तो आपको सहारा लेना होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड का, और सबकॉन्शियस माइंड में आप जब भी उतर पाएंगे, जब आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वह शांत हो जाएगा, या कहूं वह सो जाएगा। आपने देखा भी होगा, जब आप रात को सोने जाते हैं, तो सोने से पहले जब आपको नींद नहीं आती, तब आपके विचारों में एक अलग ही गहराई होती है। कई बार आप कुछ नए विचारों का आविष्कार कर लेते हैं, कुछ नई खोज कर लेते हैं, और वो ज्यादातर रात्रि के समय संभव होता है। और वैसे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड
हर वक्त सक्रिय रहता है, वह सभी चीजों को नोटिस करता है, सुनता है। बस आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपके सबकॉन्शियस माइंड के कार्यों में विघ्न डालता है, वहां डिस्टरबेंस पैदा करता है, जिसके कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके भीतर सोई रहती है। आप कभी उस पर बिलीव ही नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं कि आपको शुरुआत में किस तरह के विचार या किस तरह के संदेश भेजने चाहिए। देखिए, शुरुआत में आपके विचार बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। आपको एक्साइटेड होकर पूरी कहानी नहीं सोचनी है। माना कि आप जिसको विचार भेज रहे हैं, आप उससे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में पूरी कहानी इमेजिन नहीं करनी है, केवल एक विचार। अगर विचार अधिक होंगे तब उन विचारों की तरंगों की शक्ति वो कई जगह डिवाइड हो जाएगी, कई विचारों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब आपके विचारों की शक्ति फैल जाएगी, बिखर जाएगी, और वो सीधी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। आप जितने अधिक विचार करेंगे उन विचारों के लिए आपको उतनी ही शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और सोचो, अगर बहुत सारे विचारों की शक्ति केवल आप एक विचार में डाल दें, तब वह विचार कितना शक्तिशाली हो जाएगा, वह कितनी तेजी से ट्रेवल करके उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके विचार में एकाग्रता होनी चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन पावर। जब एक सामान्य विचार में कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता की शक्ति जुड़ जाती है, तब वह विचार सामान्य विचार नहीं रहता, वह अधिक शक्तिशाली विचार हो जाता है, और उसमें ऊर्जा का ईंधन इतना अधिक होता है कि वह लंबी दूरी तय कर सकता है, वह विचार ज्यादा लंबा ट्रेवल कर सकता है। तो मतलब जब भी आप टेलीपैथी करें तो उस समय आपका मन फोकस में होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, वहां विचारों की उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अगली जरूरी बात, टेलीपैथी के दौरान आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अशांत मन आपको अस्थिर कर देता है, एक अशांत मन आपको शक्तिहीन कर देता है। तो जब आप में ही शक्ति नहीं है तो आपके विचारों में शक्ति कहां से होगी। तो जब आपके मन में ही शक्ति नहीं है, आप ही शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, तब आप टेलीपैथी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने मन को भी शांत रखना है। अगली इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात, आपकी भावनाएं। देखिए, आपके विचार और भावनाएं दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके विचारों में इतनी शक्ति नहीं होती, परंतु आपकी भावनाएं आपके विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो अगर आप अपने विचार में या अपने संदेश में अपनी भावनाओं की शक्ति को भी जोड़ देंगे तो आपका मैसेज और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके द्वारा सोचा गया रूखा सूखा विचार, वह केवल कुछ शब्द हैं, बेजान हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस, ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आपके पूरे शरीर और मन को हिलाकर रख देती हैं। तो अपने विचार और संदेश के साथ में आपके भावनाओं और विचारों की शक्ति होना बहुत जरूरी है। अब अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है पेशेंस। सामान्यतः हर मनुष्य को धैर्य नहीं होता, हर मनुष्य इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। तो ऐसे में आप भी ये गलती कर सकते हैं, टेलीपैथी के दौरान आपने जो भी संदेश, जो भी मैसेज किसी को भेजा है, आपको उसका तुरंत रिप्लाई चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे में आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके संदेश का रिप्लाई डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा पर, आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी पर। अगर वो शक्तिशाली होंगे तब आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, अन्यथा कई बार इसमें देरी भी हो जाती है। तो आपको टेलीपैथी के प्रयोग के दौरान पेशेंस बनाए रखना है। अब ये प्रयोग किसके ऊपर करना है? देखिए, टेलीपैथी का ये प्रयोग शुरुआत में केवल उसी व्यक्ति के साथ करें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपके काफी क्लोज है, यानी जो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप टेलीपैथी सीख रहे हैं और डायरेक्ट आपको कोई लड़की पसंद आ गई जिसे आप जानते भी नहीं है। भाई, उसके विचारों की फ्रिक्वेंसी, उसकी ऊर्जा अलग है, उसका तालमेल अभी आपसे नहीं है, क्योंकि आपके सोचने का पैटर्न अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपके विचारों की तरंगें मैच नहीं होंगी, जिसके फलस्वरूप आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में आप इस प्रयोग को केवल उन्हीं व्यक्ति के साथ करें जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं, या जिनसे आपके विचार मिलते हैं। अगर ये प्रयोग आप उनके साथ करेंगे तो आपका प्रयोग बहुत जल्दी सफल होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने में भी आप अपने फोन, ईमेल या सोशल मीडिया के द्वारा उन्हीं को कॉन्टेक्ट करते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिसका आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब ऐसा नहीं आपने फोन उठाया और रैंडमली किसी को भी कॉल कर दिया और आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसे में वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो यही चीज टेलीपैथी पर लागू होती है।
तो ऐसे में इस प्रयोग के लिए आप घर में ही किसी सदस्य को चुन लें या अपने दोस्त जो आपके काफी क्लोज हैं उनके साथ इसे कर सकते हैं। इनके साथ प्रयोग करते रहने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तब आप अपने प्रियजनों से बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। जब चाहे उन्हें मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज जल्दी जाएगा और वो रिसीव भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, टेलीपैथी का प्रयोग आप किसी अननोन के साथ नहीं कर सकते, यानी जो आपको ना जानता हो और आप उसके बारे में भावनात्मक रूप से ना जानते हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब इस प्रयोग को कैसे करना है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस प्रयोग को आपको रात को करना है सोने से पहले। तो जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, तो आप अपने बिस्तर पर ही या बेड पर ही एक आसन में बैठ जाएं और सबसे पहले अपने शरीर को शांत करें, फिर अपने मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा। सांसों को रिदमिक बनाएं। सांसों को रिदमिक कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जब आप अपनी सांसों के साथ एकजुट हो जाते हो तब आपका मन शांत होता चला जाता है। ऐसे ही शांति बनाए रखें। कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर, मन और विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आप स्थिरता को पा चुके हैं तब आपको अपने मन के अंदर उस व्यक्ति की छवि लानी है, उसकी इमेज जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। और उस व्यक्ति की इमेज को आपको अपनी खुली आंखों से नहीं देखना है, आपकी आंखें बंद रहेंगी। उसका चित्र आपके मन के पर्दे पर आएगा, यानी आपको उस व्यक्ति को अपनी भीतरी आंखों से देखना है। उसके प्रति प्रेम भाव रखें, यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाए रखने का प्रयास करें। फिर उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए समय की याद करें, वो इमेजिन करें। वो दृश्य आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। वो सभी पुरानी मेमोरी जो आपने उनके साथ बिताई थी वो सब एकदम से इतनी ताजा हो जाएंगी जैसे मानो कि वो अभी आपके साथ बीत रही हैं। अपने उन लम्हों को, उन मेमोरी को इतनी गहराई से याद करें कि उस व्यक्ति को आपके बारे में भावनात्मक रूप से एक प्रकार की बेचैनी होने लगे, और वो होगी, अवश्य होगी। आप अपने रूम में, अपने बिस्तर पर उसके बारे में जितना गहरा उतरेंगे वो व्यक्ति वहां उतना ही बेचैन होगा। उसको भी आपकी याद आने लगेंगी, वो मेमोरी याद आने लगेंगी। अब दूसरे स्टेप में आपको वो मैसेज भेजना है जो मैसेज आप उसे भेजना चाहते हैं जिसके साथ टेलीपैथी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको उस आसन में बैठे रहना है और आपको सांस भीतर की ओर लेनी है। सांस को आराम से भीतर की ओर लें, एक रिदमिक तरीके से। सांस लंबी होनी चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो आपको यह कल्पना करनी है कि उस अंदर जाती हुई सांस के माध्यम से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं, और फिर सांस को छोड़िए। ऐसे ही 5-6 बार इसे कीजिए। अंदर जाती हुई सांस के माध्यम से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने भीतर ले रहे हैं और फिर बाहर छोड़ रहे हैं। फिर से 5-6 बार करने के बाद अब जब आप सांस अपने भीतर लेंगे और उस सांस को रोककर आपको वो मैसेज बोलना है जो आप उस व्यक्ति को टेलीपैथी के माध्यम से भेजना चाहते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से, आपने सांस अंदर ली और अपने मन में ही उसको कुछ ऐसे बोलना है कि मुझसे जल्द मिलो। ये मैं कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, एक छोटा सा मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं। याद रखना, मैसेज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सांस आपने अंदर ली और उसे रोकी। जब तक वो सांस रुकेगी उसी पॉज के दौरान आपको उस मैसेज को अपने अंदर कॉल करना है, जैसे कि मुझसे जल्द मिलो। अब देखो, ऐसे में जो आपने भी अपने भीतर सांस ली थी वो केवल सांस नहीं थी, वो प्राण ऊर्जा थी, क्योंकि अभी आप उसकी कल्पना कर रहे थे। सांस के जरिए प्राण ऊर्जा ले रहे थे, यानी कॉस्मिक एनर्जी। और अब जब आपने उस सांस को अपने भीतर रोका, उस कॉस्मिक एनर्जी को रोका, तभी आपने अपने मन में वो मैसेज बोला, वो संदेश जो आप उसे भेजना चाहते हैं, और फिर आपने सांस छोड़ दी। अब वह केवल सामान्य वायु नहीं है, उसमें अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और उसके साथ में आपका वह मैसेज जो श्वास या कॉस्मिक एनर्जी के साथ निकला है, अब वो तेजी से ट्रेवल करेगा। और आपने उसे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में भेजा है तो वो उसी फ्रिक्वेंसी में ट्रेवल करेगा और उसी व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगा
जिसे आपने संदेश भेजने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ आपको अपने मन में विजुलाइज भी करते रहना है कि जो श्वास आपने छोड़ी है वह एक ऊर्जा है, उसमें आपका मैसेज है, संदेश है। अब वो तेजी से निकला है और वो ट्रेवल कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रयोग को आपको 5 मिनट तक करना है, इसे रिपीट करते रहें। अब अगले स्टेप में इसे थोड़ा और फ्लो में आने दें। अब आपको अपनी सांस को रोकना नहीं है, अब सांसों को प्राकृतिक रूप से चलने दें। अब सामान्य कल्पना करते रहें कि आप सांस के जरिए उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर ले रहे हैं, और सांस को छोड़ते समय आप वो संदेश भेज रहे हैं। बस इसे प्राकृतिक रूप से चलने दें। अब आखिरी स्टेप। अब आप जिस भी आसन में बैठे हैं वो आसन छोड़कर लेट जाएं। अपने पूरे शरीर को स्थिर करें, क्योंकि अब आप नींद में जाने वाले हैं। लेकिन नींद में उतरने से पहले लेटे लेटे आपको ये विजुलाइज करते रहना है। हर एक श्वास के जरिए आपके भीतर कॉस्मिक एनर्जी जा रही है। सांस को छोड़ते समय आप यह विचार कर रहे हैं, आपका संदेश आपकी सांसों के जरिए बाहर निकल रहा है। आप बाहर जाती हुई सांसों के जरिए मन ही मन कह रहे हैं, मुझसे जल्द मिलो। जैसे ही आप नींद में जाने वाले होंगे, नींद में जस्ट जाने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होने लगेगा। फिर यह संदेश सामान्य संदेश नहीं रहेगा, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा भेजा हुआ संदेश होगा, जो सीधा उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उससे वह एक्शन करवा लेगा जो आपने उससे करने को कहा है। इस प्रयोग को कुछ दिन तक करते रहें, धीरे धीरे आपके विचारों की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका विचार या आपका संदेश उस व्यक्ति के पास में एक ऊर्जा, एक शक्ति के रूप में पहुंच जाएगा और उसे अंदर से झकझोर देगा। वह खुद ब खुद सोचने लगेगा कि उसे आपसे मिलना चाहिए, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा। अगर आपका विचार प्रेम पूर्वक भेजा गया है, उसमें इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, तो वो व्यक्ति भी अपने भीतर सेम भावनाएं, सेम इमोशंस, वो प्रेम महसूस करेगा और आपसे संपर्क जरूर करेगा। इस प्रयोग को इतनी ही शक्ति के साथ करें जैसा मैंने बताया है, और आप इसमें 100% सफल होंगे। फिर धीरे धीरे आपके लिए खेल होता चला जाएगा, फिर आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि टेलीपैथी का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करना है, ना कि किसी गलत काम के लिए। अगर आप इसका उपयोग किसी गलत काम के लिए करेंगे, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तब आपको इसके विपरीत परिणाम भी भोगने होंगे। क्योंकि शक्ति उसी के पास सुरक्षित है जिसे उसे संभालने की समझ है। अगर आप ना समझी में इसका उपयोग करेंगे तो फिर बाद में आप पछताएंगे